कि डुमरी उपचुनाव एनडीए गठबंधन पूरे जोश के साथ एकताबद्ध होकर के योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ेगी। ये भी तय हुआ कि वहाँ से आजसू पार्टी का प्रत्याशी होगा। डुमरी में आजसू पार्टी का प्रत्याशी होगा, ये एनडीए गठबंधन के में तय हुआ। इसके बाद पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी ने वहाँ के तमाम परिस्थिति को, स्थिति को, हालात को देखते हुए और जिस तरह से एनडीए गठबंधन का विजयी अभियान रामगढ़ से शुरू हुआ है, हम डुमरी में भी वैसे ही इतिहास रचना चाहते हैं। हमारा रोमन सिंह मुंडा बुद्धिजी मंच के अध्यक्ष की तरफ से जोहार है, सबका स्वागत है। जैसा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के संबंध में हमारे पार्टी के प्रधान प्रवक्ता ने आपको स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों ने किस रास्तों से गुजरते हुए मीटिंग्स वगैरह करते हुए निर्णय लिया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती जसोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी होंगी। और पार्टी कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 17 तारीख को नामांकन करेगी, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो सुरेश कुमार महतो के साथ एनडीए के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।